अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी हेडलाइंस इंडिया की, बीजेपी की विन पे ये वीडियो है। पब्लिक क्या कह रही है आइए मिलके देखते हैं, फिर उस पे करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तीन राज्यों में सरकार बनी ना, ये सेमीफाइनल था ना, जीत गए ना, पता चल गया ना लोगों को। 2024 में देखना 350-350 सीटें हम मोदी जी को झोली में डाल लें। देश आजाद कराया कांग्रेस ने, हमने कराया। ये कांग्रेस आ क्यों नहीं रही, कहां चली गई कांग्रेस? आएगी ये बेईमान, कब आएगी ये बेईमान? चोरों पर लगाम लग जाएगा, सब आएगी। राज्यों में चली गई, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, बेईमानी से आए, बेईमानी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। चार राज्यों में चुनावों की गिनती हो चुकी है और तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसी चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था और कह रहे थे कि सेमीफाइनल के बाद 2024 का चुनाव फाइनल होगा, लेकिन अब सेमीफाइनल में तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इस पर आम जनता क्या सोच रही है और 24 में क्या होगा, चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा आपसे थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है मेरा। इरशाद जी, क्या कहेंगे, तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है और उसके बाद फाइनल है, लेकिन लगातार जो विपक्ष कह रहा था कि सेमीफाइनल में भाजपा को हटाएंगे और 24 में मोदी जी को भी हटाएंगे, लेकिन ये तो गेम उल्टा हो गया आज। भाई देखो, मोदी के चेहरे के सामने कोई चेहरा है ही नहीं, दुनिया में पैदा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में अभी तो हम जमेंगे। 2047 तक की गारंटी लेते हैं हम, 2047 तक की गारंटी मोदी की। जी हाँ, 2024 में पता 350-350 सीटें आ रही है, 350 2024 में, 350 गारंटी 2024 में। जी 2024 में हम प्रधानमंत्री बना रहे ना, 350 सीटें देके मुस्लिम मोदी के साथ। अरे यार, जिधर मुस्लिम चले जाए उधर जीत जाते हैं, आप देखने रहे हो, आपने देखा नहीं, परिणाम देख लेना 2024 में। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, राहुल गांधी ने सब कुछ किया, इधर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे लोगों को डरा रहे हैं, उसके बाद भी भैया सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना, तब भी कुछ नहीं कर सकते। हमारा भारतीय जनता पार्टी है, ये खाते हैं ना खाने देते हैं, ये चोरी ये समझे, ये सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना, कुछ नहीं कर सकते। ये चोरी 2024 में बता देंगे आपको, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आज इतना मुस्लिम जुड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी से, जितना हमें इतनी सहूलियत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जितने किसी को 70 साल में हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। हमें घटाने का काम किया, हमें 10 साल में बढ़ाने का काम किया मोदी जी ने। लेकिन वहाँ तो कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे थे कि वहाँ पर कांग्रेस आएगी, वहाँ मध्य प्रदेश में, लेकिन वहाँ पर तो उल्टा गेम हो गया, वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत जाता है। एक बात सुनो, वहाँ का रिकॉर्ड कायम रहेगा, वहाँ की जनता ने समझा भारतीय जनता पार्टी को, राजपाट हाथ में दिया, वहाँ की जनता ने सहूलियत, अब देखो सहूलियत कितनी मिलती जनता को। तीन राज्यों में सरकार बनी ना, ये सेमीफाइनल था ना, जीत गए ना, पता चल गया ना लोगों को। 2024 में देखना 350-350 सीटें हम मोदी जी को झोली में डाल लें। आप मुस्लिम होकर कह रहे हैं कि 2024 में मोदी की झोली में 350 सीट डाल। सबसे ज्यादा फायदा इस सरकार में मुस्लिम को हुआ, सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 5 साल के लिए मोदी जी ने राशन फ्री कर दिया, खाओ। बोलो उसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा क्या राशन बांटने में? रोड जो तुम रोडों पे चलते हो हिंदू मुस्लिम हो रहा क्या? पेट्रोल पंप पे हिंदू मुस्लिम हो रहा क्या? कहीं महंगाई है, आपके मकान की कीमत 10 लाख रुपए थी, आज 1 करोड़ रुपए, उस महंगाई को नहीं देख रहे आप? क्या देख रहे हैं? तो महंगाई तो हुई, कोई महंगाई नहीं है। आज जिसके घर में पहले एक गाड़ी थी, एक मोटरसाइकिल थी, आज 4 मोटरसाइकिल खड़ी। जिसके घर में मोटरसाइकिल थी, आज कार खड़ी उसके घर में। काय की महंगाई है भाई? इतना क्यों विश्वास कर लिया मुसलमानों ने मोदी के ऊपर? ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने? भाई हमें तो विश्वास है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, समझे जी, हम तो मोदी के साथ हैं। हकीकत में ही 2014 में देश आजाद हुआ हमारे लिए, आसमान से टपके खजूर पे लटके थे हम 70 साल में, हम गुलाम के गुलाम थे कांग्रेस के, हम आजादी 2014 में हुए। सबसे ज्यादा फायदे हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार से हुआ।
ईवीएम में कर लो कुछ, ईवीएम में कह रहे ईवीएम में घोटाला हो गया। भाई सुनो, ये नाम है आपका नयाब जैदी ईवीएम में घोटाला हो गया और क्या। अच्छा ईवीएम में घोटाला वहाँ क्यों नहीं हुआ फिर तेलंगाना? वहाँ 100% करते गए, 5-4% ही तो होता है घोटाला, 100% के करेंगे ईवीएम में घोटाला। हाँ घोटाला सब मध्य प्रदेश में पकड़ी गई 8 दिन पहले बैलेट पेपर की, राजस्थान में भी सब में, छत्तीसगढ़ में भी। हाँ सब ईवीएम घोटाला। भाई साहब ने कहा दिमाग घोटाला कर दिया, इनके दिमाग में घोटाला है। जो मोदी की सब्सिडी सारे लेते हैं, अरे इनके दिमाग में घोटाला है, इनके दिमाग का घोटाला नहीं निकला। इनके अंदर कीटाणु भी ज्यादा है, अभी समय लगेगा, 2047 तक सब कीटाणु निकाल देंगे, जो ऐसे सब कीटाणु निकल जाएंगे। देख लेगा 2024 1947 में इनकी जो वो है ना, 24 में कौन आ रहे थे, अंग्रेजों को बड़े दल्ले बने हुए थे, इन्होंने कौन सा देश आजाद करा दिया? देश आजाद कराया कांग्रेस ने, हमने कराया। ये क्यों नहीं रही, कहाँ चली गई? आएगी ये बेमान, ये बेमान चोरों पर लगाम लग जाएगा। सवाई राज्यों में चली गई, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, बेईमानी से आए, बेईमानी से। भाई साहब कह रहे बेईमानी से आ गई। देखो इनके दिमाग में फतूर जो है ना भरा हुआ बेईमानी का, यही तो निकालना 2024 से पता चल जाएगा। भाई इनसे पूछो, जब ये वोट करने जाते है ना तो पर्ची काई की निकलती है, इनसे पूछो ना, इनके दिमाग में से फतूर निकालो ना। जब आप वोट करने जाते हैं तो पर्ची काहे की निकलती है? जब ईवीएम में घोटाला हो गया तो पर्ची क्यों निकलती है? बीजेपी की निकलती है। अच्छा हमने यहाँ डाली थी, बीजेपी की निकली थी। अच्छा किसको डाला था वोट? वोट किसी को डाल दिया था। अच्छा वो बीजेपी निकल गई। अरे यार तुम भी हद कर रहे हो, चोर के पैर छोटे होते क्यों भाग रही है? भाई उसी वक्त पकड़ लेते हैं ना, उसी वक्त प्रशासन मौजूद रहता है, उसी वक्त बताते, ईवीएम बंद हो जाता। आपको इतना प्यार क्यों है भाजपा से, इनको क्यों नहीं है? ये कह रहे कांग्रेस अच्छी है, आपको नहीं लगती कांग्रेस पार्टी अच्छी? हो सकता है चोरों का साथ देते हो ये लोग, हो सकता है चोरों का साथ देते हो सकता है मैं चोरों का साथ नहीं देता, मैं खिलाफ हूँ उनके। ये जितने चोर इकट्ठे हो रहे ना, दौड़ेंगे डंके की चोट पे। भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों से सरकार बना रही है। चोर कहाँ इकट्ठे हो रहे, वो तो गठबंधन बना रहे। हाँ जिन्हें राहुल भैया, प्रियंका दीदी, नीतीश कुमार, ममता दीदी सब घोटालेबाज हैं। एक से एक बड़ा घोटाला है, इनके दिमागों में घोटाला है, इनके दिमाग में घोटाला है, ये देख लेना। आईटीआर क्यों बंद करी इन्होंने? सरकार थी आईटीआर, सरकार में जो डाल के पूछते थे क्या हो? आईटीआर। हाँ आईटीआर क्यों बंद करी? आईटीआर थोड़ा होता है वो, ना आईटीआई होता है। क्या होता है? क्या होता है बताओ? आईटीआर साहब, इन्हें ट्यूशन की जरूरत है, इनके प्रधानमंत्री की ट्यूशन की जरूरत है। जो पप्पू है ना, पप्पू जो कौन है, राहुल गांधी, उसे ट्यूशन की जरूरत है। राहुल भैया, हाँ तुम्हारा होगा भैया, यार पागल है वो तो, राहुल भैया है। अरे पागल आप मैंड हो गया आपको। कौन है पनौती पूछ लिया, कौन पनौती बता दे। राहुल गांधी पनौती, उसका बाप पनौती था, उसका दादा पनौती है, उसने हमें पीछे कर दिया, सारा पनौती वही है। अरे उसने तो कांग्रेस को पनौती, अपनी सरकार को जितवा ली। अरे उसको पीछे कर दिया, राज्यों में आ गई। ऐसा ना, वो तो वहाँ घोटाला करके हो गया जुगाड़। अच्छा 24 में भी ऐसे हो जाए? 24 में देखेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। 24 में तो लड़ेंगे। अरे भाई ये तो पिटो जाएंगे, करो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला इनका। ऐसे ऐसे देखो, हर समाज में, हर उसमें 10% 15% लोग होते हैं ऐसे, जैसे लोग ये हैं, ऐसे लोग होते। आप भी मुस्लिम हो भाई, इधर आओ। आप भी मुसलमान हो, दोनों भाई मुस्लिम भाई हो, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही, इनको पसंद आ रही है। सब हिंदू मुस्लिम करती है, हम यूं पसंद नहीं है। भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, गर्दी करेंगे सरकार में आती। देखो कैसे कह रहे हैं, तो इन्हीं की चल, हाँ भाजपा की चल रही, कहाँ गुंडा। अब ये कह रहे हैं ना इलाज करेंगे, अब ये गुंडा जो उत्तर प्रदेश से बदमाश भागे ना, इनसे से भागे हुए उत्तर प्रदेश से, इनसे से राजस्थान में भागे हुए थे, अब राजस्थान से सपा हो जाएंगे बदमाश। उत्तर प्रदेश से जो भागे हुए ना दिल्ली सरकार में, योगी, अरे योगी सरकार से जो बदमाश भागे ना, बुलडोजर बाबा चलेगा 10 दफे चलेगा, जो सभा से मुसलमानों पे चलेगा। अरे बदमाशों पे चलेगा, बदमाशों पे मुझ पे चलेगा। क्यों आपके तुम घर दिल्ली में रह रहे, आपके घर के खूब सरकार ने कितने खूब तोड़े मुसलमान तुम्हारे, अब क्या बुलडोजर चलेगा? हां चला हमारा खूब, इसके आपके घर टूटे, तुम्हारे 5-6 घर टूटे चलेगा, और ये बदमाशी यहां करोगे तो यहां भी मुसलमानों पे बुलडोजर चलाते। अरे किसी मुसलमान पे नहीं चला, मुझ पे क्यों नहीं चला, इन पे क्यों नहीं चला? यहां रह रहे तुम, दिल्ली में रह रहे कहां चल जाएगा दिल्ली में? अरे जिस दिन हमारी सरकार आएगी ना सर दिल्ली के अंदर, उस दिन बताएंगे तुम्हें, अभी चल जाएगा मुसलमानों में। जिस दिन बीजेपी आ जाएगी, विकास दुबे मुसलमान था क्या? पोल्यूशन हो रहा आज भी। अरे उससे पहले क्या कर लिया, 3 राज्यों में हार के आ गए, भारत जोड़ो यात्रा चलाई, अब तुम कह रहे हो ईवीएम में गड़बड़ हो गई। अरे एक
एक जीत लिया, एक जीत लिया हमने, बहुत जीत लिया, एक जीत लिया, एक जीत ली, एक में खुश हो, खुश है तो प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे राहुल गांधी? वो बना देंगे, बना देंगे। लोकसभा का अलग होता है विधानसभा, लोकसभा में इनके मुंह काले हो गए, ये अब पिटे 24 से पिटेंगे, ये हर लोकसभा में जीतते। अरे भाई अभी खा पी लो, लोकसभा में जीतते। अरे कभी कोई ऐसा राहुल भैया को रंग मिला लो, इनका काला है मेरा गोरा। सुनता तुम किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? मोदी जी को। तुम किसको बनाओगे? मोदी जी को। डिनर तो कह दिया, गठबंधन का बनेगा, कोई बने, कौन बनेगा? बहुत नेता है गठबंधन में, बहुत है। ये तो कह रहे डंके की चोट, राशन तो खाते मोदी का, रखते मोदी को, समझे? ये देश के लिए भी नमक हराम इंसान है, देश के लिए भी और हमारे लिए भी, समझे? हम नहीं लेते राशन मोदी का, तुम लेते होंगे। अच्छा, तुम ले लेके मोदी का गाड़ी। गठबंधन में कौन है प्रधानमंत्री? इन्हें पड़ गए, सुनो इन्हें मालूम। अरे कौन है प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा, हाँ मोदी बनेगा भाई। ये कह रहे गठबंधन, ये है लाभार्थी, ये है लाभार्थी, इन्हें पड़ गए। अरे वो तो दिल्ली में भी दिया, वो तो केजरीवाल भी दे रहा है, वो तो केजरीवाल दे रहा है, भूल गए राम की। बिजली फ्री, पानी फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, लीले केजरीवाल। बिजली खाने को तो दे रहा, अरे बोतल तो दे रहा था। वैक्सीन किसकी लगवाई? वैक्सीन, वैक्सीन किसकी लगवाई? वैक्सीन किसकी लगवाई आप लोगों ने? लाभार्थी नहीं हो, वैक्सीन लगवाने से लाभार्थी हो गए आप। वैक्सीन लगवाने से लाभार्थी हो गए। वैक्सीन भी नहीं लगवाई, लगवाई भाई, इनके इनके ताव कुछ नहीं कर, इन्होंने इनके अब्बा जान ने लगवाई, नहीं लगवाई हमारी वैक्सीन, लगवाई ना वैक्सीन। अरे अरे वैक्सीन नहीं लगवाई, इनके वैक्सीन नहीं लगवाई, बीजेपी के वैक्सीन पापा की है, वैक्सीन थोड़ी वैज्ञानिक बनाई। अच्छा वैक्सीन तो नहीं लगाई, उसके टैक्स के पैसे, वैक्सीन तो नहीं लगाई, इनके बाप के घर से नहीं आई वैक्सीन। देख लो, देख लो टैक्स देने वाले की हालत, देख लो क्या है, टैक्स हर चीज पे टैक्स देते हैं। कितना टैक्स? कौन जो भी खरीदते जीएसटी देते हैं इसमें। अरे भाई इनके कीटाणु अभी नहीं निकलेंगे, कम से कम हमें 10 साल और लगेंगे। मोदी को चाहते हैं? बिल्कुल, मोदी आएगा डंके की चोट पकड़े, मोदी आएगा। दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों में तगड़ी बहस हुई, लेकिन देखना ही होगा कि 2024 में क्या होगा। और सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में हवा निकल गई, कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने जरूर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब फाइनल पे आम जनता क्या सोच रही है, आम जनता की राय आपने सुनी, खासकर इन दोनों भाइयों की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था 2024 में कौन आएगा, बीजेपी इलेक्शन जीत गई है, उस पर पब्लिक क्या कह रही है भारत की, और वो खुश दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम पे मोदी ही आएगा, ये कंफर्म हो चुका है। इलेक्शन से पहले भी यही बातें हमने सुनी, इलेक्शन हो चुका है उसके बाद भी यही है, आने वाला है मोदी, आने वाला है मोदी, और कोई किसी का चांस नहीं है। उस पाए का लीडर अभी भारत में कोई दूसरा है ही नहीं, तो कौन आएगा, कौन रिप्लेस करेगा मोदी जी को? जो छवि उन्होंने इस देश की बना दी है, वो अभी अगर कोई उसको रिप्लेस करने की बात भी करता है, तो मैं कहता हूं कि उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बंदा जो आपके देश को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए, बुलंदियों पर ले जाए, और जोड़ दिया है उसने पूरे देश को, जहां पे हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, जहां पे कश्मीर की कोई बात नहीं करता था, जहां पे हिंदू पंडितों की, हिंदुत्व की कोई बात नहीं करता था, वहां पे आज एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व भी ला रही है, जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो भी उसने खत्म कर दिया है, कश्मीर से 370-35 हटा दिया है, कश्मीर में तरक्की आ रही है, लोग खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, भारत तो खुशहाल हो ही रहा है। और इस बीजेपी की विन से जो स्टॉक मार्केट में तेजी आई है भारत की, अब देखें क्या से क्या हो रहा है, सिर्फ एक खबर के बीजेपी आ रही है, तो कितना जबरदस्त ये आने वाले दिनों में होगा भारत के लिए। हर एक चीज देखें कि मोदी आ गया, मोदी चाह गया, क्यों? मोदी ने मेहनत ही भाई ऐसे की है, मोदी आ गया है, तो चीज ये है कि देखिए इत्माद ही उन्होंने इतना जो है ना दे दिया है सरमायाकारों को, कि सिर्फ इंडिया वाले सरमायाकारी नहीं कर रहे, पूरी दुनिया से सरमायाकारी है। तो जब इस तरह से सरमायाकारी आ रही है, तो फिर उसको जो है दुनिया की तीसरी बड़ी मुल्क बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो यही वजह है कि अब आवाम को पता चल चुका है कि भाई मुल्क मजबूत होगी तो रोजगार मिलेगा।
मुशत मजबूत होगी तो हमें अच्छे घर मिलेंगे, हमें जो है ना सहूलतें मिलेगी, हमें जो सहूलतें मिल रही हैं इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं दी। जितनी भी उन्होंने जो योजनाएं चलाई हुई हैं ऐसे पहले कभी नहीं चलाई गई। और जिस तरीके से कोविड के अंदर जो है ना मोदी सरकार ने जो है ना उनका परफॉर्मेंस दी है वो कमाल की थी। और इसलिए यही वजह है, अब देखिए कि कोविड के बाद जो चीजें आगे निकल के आई हैं, जो कोविड के अंदर अगर किसी ने परफॉर्मेंस दिया है तो पहले नंबर पे मोदी जी हैं, तो दूसरे नंबर पे जो है उनकी बात नहीं करते क्योंकि बहस किसी और तरफ चली जाएगी। तो चीज यह है कि मोदी जी ने परफॉर्म किया है, उनकी जो है टीम जो है उन्होंने परफॉर्म किया है, तो आज अवाम उनके साथ है। और जो परफॉर्म करता है अवाम उसके साथ होती है, चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, चाहे इंडिया में लगा ले या पाकिस्तान में, अवाम जिसको लाइक करती है उसके लिए वो निकलती भी है और आवाज भी उठाती है। तो देखिए इंडिया में पब्लिक को शौर है, लोग बहुत टाइम से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम अपना इतना बेहतरीन, पाकिस्तान में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अभी मदरसे की जो छाप है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से उतर रही है, यकदम नहीं उतरेगी, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है पाकिस्तान भी तालीम की तरफ। हो सकता है आने वाले बहुत सालों में के बाद कुछ यहाँ भी तालीमी शऊर आ जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। लेकिन भारत का जो आम नागरिक है वो भी समझ चुका है कि उसको हमारे लिए क्या बेहतर है, वहाँ की आम एक वोमेन जो महिला है उसको भी समझ चुका है कि मुझे जो एम्पावर करने वाला है वो कौन है, तो वो उसको ही वोट करता है, वो उसको ही सपोर्ट करता है जो उसके लिए और उसके मुल्क के लिए बेहतर है। आई होप सो ये जबरदस्त वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।